हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक की दुकान में। और आज की वीडियो में बात करेंगे MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 8.10.25। तो गाइज, इसकी जो नई अपडेट आ रही है उसमें क्या क्या नए बग फिक्स किए जाएंगे, तो गाइज मैं उसके बारे में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो गाइज, हमेशा की तरह जो नए हैं वो बुधवार को ही अपडेट आती है जो क्या क्या इसमें नए बग फिक्स किए जाएंगे। तो गाइज मैं आपको दिखा दूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 8.10.25 चेंज लॉग प्रीव्यू। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस। तो गाइज जो पहला जो बग फिक्स किया गया है वो है MI क्लाउड बैकअप डज नॉट वर्क सिंस 8.8.9.20 अपडेट टू 8.10.11। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, MI क्लाउड का जो बैकअप था वो MIUI 10 की 8.9.20 से 8.10.11 में काम नहीं कर रहा था, लेकिन गाइज वो पिछली अपडेट में भी काम नहीं कर रहा है। तो गाइज अब जो अपडेट आएगी उसमें इस बग को फिक्स कर दिया जाएगा, जो MI क्लाउड के बैकअप की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। और गाइज इसके बाद में जो बग फिक्स किया गया है वो है MI स्टोर आइकन इज नॉट शोइंग इन नोटिफिकेशन पैनल। तो गाइज जब हम MI स्टोर को खोलते हैं तो उसका आइकन नोटिफिकेशन पैनल में शो नहीं हो रहा है, जिसको इस अपडेट में फिक्स कर दिया जाएगा। और गाइज अगला जो बग फिक्स किया गया है वो है MI म्यूजिक कंट्रोल डज नॉट डिस्प्ले ऑन लॉक स्क्रीन MIUI 10। तो गाइज हम MIUI 10 में MI म्यूजिक को खोलते हैं और लॉक लगने के बाद MI म्यूजिक का पैनल शो नहीं होता है, जैसे MIUI 9 में होता था। हम लॉक लगा देते थे लेकिन उसके बाद में MI म्यूजिक को हम कंट्रोल कर लेते थे लॉक लगने के बाद में, क्योंकि कंट्रोल पैनल शो होता रहता था। लेकिन इस बग को इस अपडेट में फिक्स कर दिया जाएगा। और गाइज अगला जो बग फिक्स किया जाएगा वो है टेक्स्ट डिस्प्ले ओवरलैप इन डिवाइस ऑप्शन। जब गाइज हम डिवाइस के ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टेक्स्ट जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे थे, जिसके वजह से वो टेक्स्ट पढ़ने में परेशानी आ रही थी, जिसको इस अपडेट में इस बग को फिक्स कर दिया जाएगा। और गाइज अगला जो बग फिक्स किया जाएगा वो है सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स गेट्स डीसेलेक्टेड ऑटोमेटिकली ऑन प्रेसिंग बैक मल्टीपल टाइम्स। तो गाइज ये क्या है, हम किसी कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करते थे और हम कई बार बैक के बटन को कई बार बैक दबाते थे तो उसके बाद में वो ऑटोमेटिक ही डिसलेक्ट हो जाता था, इसके बाद वो सेलेक्ट नहीं रहता था। तो इस बग को इस अपडेट में फिक्स कर दिया जाएगा। और गाइज अगला जो बग फिक्स किया जा सकता है वो है सेटिंग में, आप देख सकते हैं सिस्टम एप्स अपडेटर। तो गाइज ये बग पिछली कई अपडेट्स में फिक्स करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन गाइज इसको फिक्स नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं ये अब भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऐप अपडेट के लिए मांग रहा है, लेकिन अंदर खोलते हैं इसको तो एक भी ऐप शो नहीं हो रहा है, जिसको इस अपडेट में फिक्स किया जा सकता है। और गाइज मैं आपको बता दूँ, जिन डिवाइस में पोर्ट्रेट मोड नहीं मिला है, जैसे रेडमी 4, रेडमी 5 आदि कुछ डिवाइस हैं जिनमें पोर्ट्रेट मोड नहीं मिला है, उनमें आपको पोर्ट्रेट मोड मिल सकता है। अगर मिलता है तो इसकी वीडियो आपको बताऊँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी टेक्निकल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।